हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है इनकी, ये देखें। इसका कलर वीडियो में ऐसे क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट इसका कलर बहुत सुंदर है। मैंने देखें, दो लेयर में इसे बनाया हुआ है। ये ड्रेस आप 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं, और बिना सिंहासन पर बैठा है ये, पीछे से पूरा ऐसे देखें, ये ऊपर उभरी हुई सी ड्रेस है। और इसका फ्रिल अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही यूनिक बनाया हुआ है, ये देखें। और इसे बनाना भी बहुत ईजी है गाइज, अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन लाइफ 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने ड्रेस कैसे बनाई है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये पिंक और गोल्डन कलर में इस तरह का चंदेरी का पीस लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच। और अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो ये देखिए, जितना भी इसके अर्ज में आता है मैंने उतना रख लिया है। मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से लगभग हमारा ये, मैं आपको पूरा टोटल मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से 44 इंच है हमारा, 44 इंचेस। हमें क्या करना है, इसकी एक साइड जो मैंने अभी कट की है, ये देखिए इधर से तो रेशे निकले हैं, बट जो मैंने अभी कट की है वहाँ से कोई रेशे नहीं है, तो उधर मैं इस तरह के टिश्यू रिबन का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास इस तरह के टिश्यू रिबन नहीं है तो यहाँ पे आप 4 इंच की जगह पे 5 इंच लंबाई का फैब्रिक लें, और उसे आप क्या करें, ये देखिए इस तरह से मोड़ के यहाँ पर आपको सिल लेना है। 1/2 इंच एक बार मोड़ा, फिर एक बार और मोड़ा और सिलाई लगा दी। बट मेरे पास यहाँ पर टिश्यू रिबन है, मैं इसे यहाँ से ऐसे मोड़ूंगी टिश्यू रिबन को, और यहाँ पर देखें इसे लॉक करूँगी। इस तरह से हमें लगा के यहाँ पर सिल लेना है, तो ये हमारा दोनों साइड से लग जाता है तो लॉक हो जाता है, और पतला सा जैसे लेस आ जाए उस तरह का आता है। चलिए मैं इसे स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया है। देखिए पीछे से भी हमारा सेम तरीके से लॉक हो गया है। अब ये हमारा आगे पीछे दोनों साइड से अच्छे से लॉक है। हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हमें प्लेट बनानी है। तो देखिए मैं किस तरह से इस पर प्लेट बनाऊंगी। ये नीचे की साइड हम 1 इंच छोड़ते हुए प्लेट डालेंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बार इधर मोड़ना है प्लेट को, और देखें दोबारा से इधर मोड़ना है, ऐसे करके हमें मोड़ना है। और सिलाई हमें यहाँ से देखिए 1 इंच ऊपर से लगानी है। फिर एक प्लेट को देखें इस साइड ऐसे मोड़ेंगे, और फिर दूसरी प्लेट को हम इधर से ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे करके ये बॉक्स प्लीट हम जिसे बोलते हैं, ये प्लीट हमें यहाँ पे बनानी है, और यहाँ किनारे से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम अपनी प्लेट बना लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच का गैप देते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इस पर इस तरह से सिलाई लगाई है, कुछ इस तरह का हमारा इसका फ्रिल आ रहा है। आप देखिए कितनी अच्छी सी हमारी इसकी प्लेट बनी हुई है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये हमारा एक प्लेट है, ये पूरा ऐसे बना हुआ है। अब ये जो हमारा दूसरा वाला प्लेट है, इसे हम इसके ऊपर देखें इस तरह से ऐसे चढ़ाएंगे, ये ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और इसका इधर वाला जो हिस्सा है वो इसके ऐसे नीचे चला जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से, ये हमने यहाँ पर 2 प्लेट अपनी पकड़ ली। अब देखें तीसरी वाली को, ये एक हिस्सा यहाँ ऊपर आके इस तरह से लगेगा, ये देखिए ये ऐसे करके, और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ नीचे आके इस तरह से लगेगा, ये देखिए ये इस तरह से। अब फिर वही हमारी चौथी प्लेट के साथ भी है, एक हिस्सा यहाँ ऊपर लगा देना है, और एक हिस्से को ये देखिए ये इस तरह से हम करके नीचे पकड़ ले रहे हैं, ऐसे करके हमें इसे स्टिच करना है। ये इतनी दूर हम पहले स्टिच करेंगे, और फिर आगे का ऐसे हम 4-4 प्लेट करके यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ।
ये देखिए यहाँ पे हमारा ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ये और एक पट्टी ली हुई है, अगर आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये देखिए ये हमारी 1.75 इंच चौड़ी है, मतलब कि 1.5 इंच और 2 इंच के बीच में जितना है उतनी। हम क्या करेंगे, इसके एक साइड इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ के हल्का सा इस पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे इसे किस तरह से लगाना है, हम नेफा अटैच करेंगे। तो ये पहले बराबर कर देते हैं इधर से, इसे बराबर करने के बाद हम इसे यहाँ सीधी साइड से रखेंगे। ये जो सिलाई आपको दिख रही है यहाँ पे, इस तरह से हमें सिलाई पे 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है और यहाँ हम इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। सिलने के बाद यहाँ पे जो बीच में हमारा देखिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सा रेसा निकला हुआ था उसे हमने कट कर दिया। कट करने के बाद देखिए इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 1/2 इंच बाहर की तरफ निकला है इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसे हमें ऐसे पीछे ले जाके और सिल देना है। पीछे ले जाके सिलने के पहले हम इसके अंदर डाल देंगे डोरी। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी ली हुई है, ये देखिए इसे मैं यहाँ से कट करती हूँ और हम इसे अंदर डाल देंगे फिर सिलेंगे। जैसे देखें कैसे सिलना है, यहाँ से ये मोड़ा, मोड़ने के बाद ये अंदर हमारे डोरी गई और उसके बाद हम इसे ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए पीछे से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से जब हम एकदम पास से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा साथ में सिल जाएगा। और सेम तरीके से हमें इधर से भी इसे मोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और पिंक वाले के ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए हमारा यहाँ पे नेफा भी अटैच हो गया है बहुत आसानी से। अब देखिए यहाँ पे भी लगाने के लिए मैंने गोल्डन कलर में पतली सी लेस ली हुई है, इसे मैं ये अपनी सिलाई पे से लगा लूंगी और एक बार हम नेफे के ऊपर से लगा लेंगे तो और भी देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक साइड का तो बहुत फिनिशिंग से कंप्लीट हो गया है। आप देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसकी फ्रिल बहुत अच्छी लगती है, पहनाने पे बहुत सुंदर लगेगी। तो इसे मैं साइड करती हूँ और अब मैंने यहाँ पे ये नेट का फैब्रिक लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह का नेट का फैब्रिक लें, आपको जैसा भी नेट का फैब्रिक मिल जाए आप ले सकते हैं, बस आपका नेट का फैब्रिक होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है मैंने लगभग 8.5 इंच के करीब में रखी है और अगर मैं लंबाई इसकी बताऊँ तो इसकी लंबाई उससे थोड़ी सी कम होगी। मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूँ जैसे किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ये देखें ये इस तरह से यहाँ पे इसकी जो टोटल लंबाई है ये हमारी 41 इंच है, 41.5। आप देखें इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे हमें डबल करके पहले सिल देना है जिससे हमें प्लेट डालने में आसानी हो और हमें नीचे से कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से हमने डबल किया और डबल करने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे जिससे हमें प्लेट डालने में आसानी रहेगी। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे डबल करके सिल दिया। अब हम इस पर इस तरह से प्लेट बनाएंगे, ऐसे नॉर्मल जैसे हम प्लेट बनाते हैं, कोई यहाँ पे हमारी बॉक्स प्लेट नहीं रहेगी, ऐसे ही नॉर्मल हम पास पास ऐसे प्लेट बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पूरे पे ऐसे ही प्लेट बना लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पर भी हम सेम तरीके से अपना नेफा अटैच कर लेंगे जैसे हमने उस पर किया था, वैसे इस पर भी करेंगे। और यहाँ पे कमर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारी लगभग 3.5 इंच, अगर आपकी 4 या 3 भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे भी नेफा लगाती हूँ फिर बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये रेडी हो गया है, इस पर भी मैंने ये लेस लगा दी है और डोरी अटैच कर दी, इसे हम साइड करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए ये 3 इंच लंबाई चौड़ाई का इस तरह का ये अपना पिंक कलर वाला फैब्रिक ले लिया है चंदेरी का। ये देखिए इधर से भी 3 इंच और इधर से भी, दोनों साइड से 3 इंच रखना है। इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हमने एक बार इधर से फोल्ड किया और एक बार इसे हम इधर से फोल्ड करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये इसका बंद वाला हिस्सा है और इधर से ये चारों साइड इसकी खुली हुई है। तो ये जो साइड दो इसकी जो दो साइड हमारी
खुली हुई हैं वही दोनों हमें सिल देना है। तो इस पर यहाँ से रखेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें सभी के ऊपर करना है। ये देखिए मैंने इन सभी को सिल दिया। सिलाई के बाद देखिए नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था थोड़ा थोड़ा सा कोनाई वाला उसे मैंने कट करके हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने देखिए ये सुई धागा लिया हुआ है और सुई धागे की हेल्प से हम इसे सिलेंगे। तो जहाँ से हमने सिलाई लगाई हुई है बस उसी के ऊपर से हमें इसे सिल लेना है। तो पहले यहाँ मैं धागे को अच्छे से फंसा देती हूँ। ये मैंने फंसा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे छोटी छोटी सी सिलाई लगाएंगे ये ऐसे करके। ये देखें ये इस तरह से हमने सिलाई लगाई और एक को हमने यहाँ पे सिल दिया। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बनता चला जाएगा। अब सेम तरीके से हम यहाँ पे दूसरे को करेंगे। यहाँ पे हमें अपना धागा तो कोई फंसाना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट सिलते चले जाना है। बहुत आसानी से आपका ये फ्लावर बन जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। आपकी ये पूरी ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी पहनाई हुई भी। मैं पहना के भी आपको कान्हा जी को दिखा दूँगी कि किस तरह की लग रही है, ये देखें। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे चंदेरी का फैब्रिक यूज़ किया है तो आप कोई और फैब्रिक नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा वो भी। ये देखें ये इस तरह से मैं इसे स्टिच कर दे रही हूँ। बहुत आसानी से ये सिल जाता है और बहुत जल्दी आपकी ड्रेस बनेगी। कोई ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में। बस आपको ध्यान ये देना है कि ये जो इसके ऐसे देखिए ये एक साइड आपको ऐसे मिलेगी, इसी साइड से आप सभी को सिलना शुरू करें तो सारा आपका जो फ्लावर है वो एक जैसा इक्वल आएगा और अच्छा लगेगा देखने में। ये इस तरह से हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। ये देखिए मेरा चारों सिल गया है। अब जहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर मैं इसे ले आके ऐसे फंसाऊँगी और यहाँ से जब हम इसे खींचेंगे तो ये हमारा अच्छे से अपना शेप ले लेगा। ये इस तरह से देखिए ये हमारा शेप ले लेगा। आप यहाँ पे 5 पीस लगा सकते हैं, 6 पीस लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ 4 पीस ही लगाए हैं। और यहाँ पे आप 2.5 इंच के भी पीस यूज़ कर सकते हैं, 2 इंच के भी पीस यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसा छोटा बड़ा फ्लावर चाहिए आप उस तरह से इसे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से एक दो बार इसे अच्छे से सिल के और उसके बाद नॉट लगा के कट कर देना है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा आएगा फ्लावर। अब इसके बीच में मैं कोई भी बटन वगैरह लगा दूंगी जिससे ये बीच वाला हिस्सा हमारा कवर हो जाएगा। और बटन लगाने के बाद इसे हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे टक कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी बटन लगाई और फ्लावर को यहाँ पे एकदम नीचे की साइड में इसे स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पे इसे भी साइड करते हैं और चोली बना लेते हैं। चोली के लिए मैंने यहाँ पे ये पिंक वाला ही फैब्रिक लिया है। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई देखेंगे तो ये देखें ये मैंने रखी है इस तरह से, हमारा लगभग 12 इंच के करीब में है। कटिंग करने में हल्का फुल्का इधर उधर होता है। ये देखें ये इस तरह से हमारे ये बहुत हल्का सा कम है 12 इंच, तो आप 12 इंच ही रखें। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो हमारी है 2.25 इंच, मतलब कि 2 इंच और 2.5 इंच के बीच में जितना है उतना। हम क्या करेंगे इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद एक बार यहाँ सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसे टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से इसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। ये देखिए आधे पे से मैंने कट किया और कट करने के बाद यहाँ पे ऐसे हम सिलाई लगा देंगे वी शेप में। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब इसकी दूसरी साइड भी हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर हल्का सा चढ़ाएंगे, बस हल्का सा चढ़ाना है, सिलना नहीं है। इसे हम इधर से ऐसे सिलेंगे, लगभग 1/2 इंच का ऐसे मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा चढ़ा के सिल दिया इसके ऊपर। ये हमारा इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है इसे अटैच करना है। तो ये जो साइड हमने ऐसे सिली हुई है वो हम इस पल्ले के साथ ऐसे करके अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे इतना अंदर, लगभग मैं यहाँ पे 1 इंच के करीब में अंदर डालूंगी और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सिलाई हमें यहाँ से लगानी है और सिलाई के बाद भी हमें 1/2 इंच फैब्रिक बच जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ से मैं इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। और सिलाई मैंने क्यों बोला कि हम नीचे से लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी ये डोरी सरकती रहनी चाहिए। ये इस तरह से डोरी नहीं सिलना होता है हमें। ये मैंने एक साइड का सिल दिया। अब सेम तरीके से हम इसकी दूसरी साइड भी रखेंगे और स्टिच कर देंगे।
यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसकी दूसरी साइड भी रखना है और लगभग हमारा इसी तरह से 1 इंच के करीब में अंदर जाएगा और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके दोनों साइड जो है वो स्टिच कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे कान्हाजी को पहनाएंगे। तो ये हैं 6 नंबर के कान्हाजी और इन्हें हम ये पोशाक इस तरह से पहनाएंगे। ये देखें ये नेक पे आ गई और हम यहाँ से पहले ये नीचे पीछे वाला बांधेंगे। पीछे वाला हमें देखें इस तरह से आगे की साइड बांधना है। यहाँ पे ले आके हमें इसे इस तरह से बांध देना है। ये देखिए बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है इसे बनाना। ये मैं यहाँ पे बांध दे रही हूँ पीछे वाले को पहले। ऐसे कैमरे में थोड़ा सा ऐसे काम करने में हल्की सी दिक्कत होती है, ट्राईपॉड होता है, सेटअप बॉक्स होता है तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। आपको इसे बांधने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें मैंने यहाँ से बांध दिया और बांधने के बाद अब ये वाला हिस्सा हम ऐसे इनकी ड्रेस जो पीछे से है इस तरह से उठाएंगे और उठाने के बाद हम इस ड्रेस के पीछे ले जाके बांध देंगे तो हमारी डोरी भी हाइड हो जाती है। और अभी आप ड्रेस का फुल लुक देखिएगा कितना खूबसूरत आएगा, बहुत सुंदर लगती है गाइस, बहुत ही सुंदर। अब मैं इसे पीछे से ये वाली डोरी भी बांध दे रही हूँ। ये देखिए ये मैंने पीछे की साइड इसे बांध दिया और वैसे भी आप देखिए कैसी लग रही है ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है। एकदम नया तरीका मैंने आपको बताया है बनाने का। ये देखें ये इस तरह से ये पीछे वाला जो पोर्शन है बिना सिंहासन वगैरह पे बैठा ही देखें एकदम खुला खुला सा रहेगा। ये देखें ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये जो फ्लावर है वो हम इस तरह से करके सेंटर में सेट कर देंगे और देखें एकदम पूरा घेर इनका अच्छे से प्रॉपर सेट हो गया है। और इसे बनाना भी बहुत ईजी था गाइस, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।